जैव विविधता में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक एवं जैविक स्रोत मिलते हैं। इससे मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता का महत्व या मूल्य निम्न रूपों में देखा जा सकता है। इसे हमें केवल रीडिंग लगानी है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ कर भी हम लिख सकते हैं। तो पहला इसका महत्व है आर्थिक महत्व। जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैव विविधता के कारण ही हमें विविधतापूर्ण भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन, धान, अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त होती हैं। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास, जापान में पाए जाने वाले नारिन टैन नामक गेहूं की किस्म से तथा धान की बैंगनी किस्मों का विकास, ताइवान में पाई जाने वाली डी जियो रूजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था। इस प्रकार सन 1970 के दशक में जब एशिया महाद्वीप के 160,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलें ग्रासी स्टंट विषाणु से तबाह हो गई थी, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई जंगली धान की प्रजाति ओराइजा नेवेरा से उक्त रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई। तो विभिन्न फसलों की पैदावार विभिन्न मौसमों के अनुकूल होने के कारण ये प्रजातियां कई रोगों से बचे रहने में सक्षम होती है। इस प्रकार अनाज आदि की जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान है। आज पूरा विश्व पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित संसाधनों तथा उनके अनियंत्रित विदोहन से चिंतित है। ऐसे में जेट्रोपा व करंज जैसे पौधों ने एक नई आशा की किरण जगाई है, क्योंकि इन पौधों के बीजों से जैव ईंधन बनाया जा सकता है। इन पौधों को बायोडीजल वृक्ष भी कहा जाता है। सेकंड इम्पोर्टेंस है औषधीय महत्व। प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 40% उपलब्ध औषधियों को वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर समय समय पर कई असाध्य बीमारियां आई हैं जिनका इलाज जैव विविधता में ही तलाशा गया है। असाध्य मलेरिया ज्वर का इलाज यकायक ही सिनकोना पादप की छाल में मिल गया। इसी प्रकार सदाबहार विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन पौधों का उपयोग असाध्य ब्लड कैंसर के उपचार में होता है। टेक्सस बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में तथा सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप हाई बीपी के इलाज में किया जाता है। आज विश्व में महामारी का रूप ले चुके एड्स का इलाज भी जैव विविधता से ही संभव होगा। तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो, गिलोय आदि वनस्पतियों में एड्स रोधी गुण पाए गए हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस है पर्यावरणीय महत्व। इसमें नंबर फर्स्ट है खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। हम जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में एक जाति दूसरी जाति का भक्षण करती है, अर्थात प्रत्येक प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है। एक श्रृंखला के रूप में, चयन के रूप में प्रत्येक जानवर आपस में एक दूसरे को खाते हैं, चूहे को सर्प, सांप को बाज, इस प्रकार से। अतः किसी भी एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरी खाद्य श्रृंखला के विलुप्त होने का या खत्म होने का खतरा रहता है। किंतु जैव विविधता समृद्ध है तो उसमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती, बहुत सारी चैन्स होती हैं, तो उस चैन का कोई यदि एक प्राणी समाप्त हो जाए परमानेंट, तो भी अन्य प्राणियों से भोजन उपलब्ध होगा। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर एक जाल के रूप में रहती हैं।
जिसमें जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एक तो होते हैं उत्पादक, जो हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीव, उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, उनको फिर उनको खाने वाले द्वितीयक, और द्वितीयक को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति के कम होने पर खाद्य जाल की अन्य प्रजाति उसकी कमी को पूरा कर खाद्य श्रृंखला संरक्षण कर सकती है। सेकंड है पोषक चक्र नियंत्रण। जैव विविधता का पोषक चक्र गतिमान, जैव विविधता पोषक चक्र गतिमान रखने में सहायक होती है। मिट्टी की सूक्ष्म जीवी विविधता, मिट्टी की सूक्ष्म जीवी विविधता पौधों व जीवों के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होती है। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है। और तीसरा है पर्यावरण में ही पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ वनस्पतियाँ प्रदूषकों का विघटन व अवशोषण करने का गुण रखती हैं, जैसे सदाबहार नामक पौधों में ट्राई नाइट्रो टॉलुइन TNT जैसे घातक विस्फोटक को, ये विस्फोटक होता है TNT, तो ट्राई नाइट्रो टालोइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। किसमें? सदाबहार नामक पौधे में। सूक्ष्म जीवो स्यूडोमोनास प्यूटिडा जीवाणु है, और दूसरा है आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस, और तीसरा साइट्रोबैक्टर। तो इन प्रजातियों में औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। फैक्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं उनमें भारी धातु पाई जाती है, हैवी मेटल्स पाई जाती हैं, जो जीवों के लिए बहुत ही घातक होती हैं। इसी प्रकार राइजोपस ओराइजिस नामक कवक में यूरेनियम व थोरियम, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं जिनसे रेडिएशन विकिरण लगातार निकलते रहते हैं, ये लगातार इनको उत्सर्जित करते रहते हैं। इन पदार्थों को कहते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ। तो राइजोपस ओराइजिस नामक कवक में यूरेनियम व थोरियम को हटाने की क्षमता होती है, और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम कवक में रेडियम को हटाने की क्षमता होती है। उसके बाद नंबर 4 है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व। मानव संस्कृति तथा पर्यावरण का विकास साथ साथ हुआ है। आज की आधुनिक व उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से पूर्व मानव व प्रकृति में एक सामंजस्य था। तो पहले क्या होता था, मानव और प्रकृति में एक संतुलन होता था, सामंजस्य होता था। आज भी कुछ आदिवासी समाज ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। कुछ वनस्पतियों जैसे पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला आदि का आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। कुछ त्योहारों पर हम इनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतु जैसे गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी का भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। हमारे देश में आज भी ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें देव वन कहा जाता है, एवं लोग स्वेच्छा से इन स्थानों को संरक्षण प्रदान करते हैं। विश्व स्तर पर जैव विविधता के इस आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया, ताकि विश्व समुदाय जैव विविधता के महत्व को समझकर इसे बनाए रखने का प्रयास करे। उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जैव विविधता पर संकट।